आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें से हमने जो है पार्ट वन, पार्ट टू और प्राचीन भारत का हमने पहले ही देख लिया था। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का हमने पार्ट वन और पार्ट टू कर रखा है, अब ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हुसैन शाह। हुसैन शाह जो है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, उड़ीसा के गजपति वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कपिलेंद्र, सी नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जैन उल आबिदीन, जिन्होंने गाय की हत्या को निषेधित किया था, कश्मीर, मतलब ये कहाँ के शासक थे? तो ये आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो ये कश्मीर के शासक थे और इसी को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तालुकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जो है किस विदेशी यात्री ने उसे देखा और वर्णन किया है? तो ये सीजर फ्रेडरिक जो है इन्होंने वर्णन किया है तालुकोटा के युद्ध के बाद जो विजयनगर का पतन हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर राजा ने आंध्रभोज की उपाधि ग्रहण किया था? तो ये कृष्णदेवराय ने आंध्रभोज की उपाधि ग्रहण किया था। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, उसकी दूसरी राजधानी कौन थी? तो 131 का आंसर हो जाएगा पेनुकोंडा दूसरी राजधानी थी। 132, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर शासक पहले महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला था? ठीक है, कौन सा विजयनगर का जो शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुक्का द्वितीय को मिला था महाराज धीराज। अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। नेक्स्ट है, विजयनगर के राज्यों में से कौन राजा चीन को एक राजदूत भेजा था इंडिया से, ठीक है, विजयनगर से? तो 133 का आपका आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? तो जिलों को जो है नाडू कहा जाता था। नेक्स्ट 135, निम्नलिखित विजयनगर के राज्यों में से कौन राजा सेना में मुस्लिम लड़ाकू को भर्ती करने लगा था? तो 135 का आपका आंसर हो जाएगा देवराव द्वितीय जो है अपना सेना में मुस्लिम लड़ाकू को, मुस्लिम फाइटर लोगों को भी भर्ती करने लगा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामग्री में से विजयनगर साम्राज्य में व्यापारिक दृष्टि से बड़ी मात्रा में क्या निर्यात की जाती थी? तो काली मिर्च, ठीक है, यहाँ मिर्च लिखा हुआ आंसर होगा, ब्लैक पेपर कहते हैं, तो काली मिर्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब यात्रियों ने सोने का घर के रूप में संदर्भित किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुल्तान को सोने के घर के रूप में अरब यात्रियों ने जो है कहा है। नेक्स्ट है, 13वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में आए मार्कोपोलो की राष्ट्रीयता क्या थी? तो मार्कोपोलो एक इटालियन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी कवि ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो इसका जो भारत का पृथ्वी का स्वर्ग आपका कहा है अमीर खुसरो ने। 139 का आंसर आपका हो जाएगा डी, अमीर खुसरो ने कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर के पहले शासक ने तुर्की धनुर्धारियों की नौकरी की थी, यानी तुर्की जो धनुर्धारी थे उसका जो है नौकरी किया था? तो कौन सा ये विजयनगर शासक हो गया? तो ये आपका देवराव द्वितीय हो गए। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में अमारम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अमारम शब्द का अर्थ आपका सैन्य भूखंड होता है, ठीक है, यानी मिलिट्री का जो जमीन होता है उसको अमारम कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सूफी समुदायों ने योग को अपनाया था? तो चिश्तिया ने योग को अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? तो ये आपका दान दिया था जैसे सिद्धराज ने मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन के लिए या पुनर्निर्माण के लिए जो है दान दिया था, जैसे सिद्धराज। नेक्स्ट है, इतिहासकार सेवेल ने अपनी पुस्तक एक भूल हुई साम्राज्य लिखी थी, उस साम्राज्य का नाम क्या था? तो सेवेल ने जो पुस्तक लिखी थी एक भूल हुई साम्राज्य, उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। अब है, जोन राजा अपनी राज तरंगनी में कलहन की कथा को किस शुरू से जारी रखा था? मतलब क्वेश्चन ये है कि जोन राजा जो था वो किसके कहने पे राज तरंगनी, जो कलहन की राज तरंगनी थी वो आधा छूटा हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, उसको पूरा करने वाले जो ऑथर थे, राइटर, वो आपके जो हो गए लेखक जोन राजा थे। और जोन ने किसके कहने पे ये राज तरंगनी को कंप्लीट किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा
कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले सुल्तान जैनुल आविदीन के कहने पे। नेक्स्ट है, खानका क्या था? तो खानका जो होता था, सूफी लोगों का रहने का जगह होता था, उसको खानका कहते थे। सुगंध देवी, जिन्होंने बैठी लक्ष्मी के चित्रण के साथ सिक्के जारी किए थे, वो किस राज्य की रानी थी? तो वो आपके कश्मीर की रानी थी, सुगंध देवी। नेक्स्ट है कि सरकी वंश की राजधानी क्या थी? तो सरकी वंश की राजधानी जो है जौनपुर थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत को चिराग ए दहलवी कहा जाता था? तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि शेख नसीरुद्दीन को जो है चिराग ए दहलवी कहा जाता था, और ये चिश्ती संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी? तो ये आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर की पुरानी राजधानी अब हम्पी के विशाल खंडहरों द्वारा प्रतिष्ठित की जाती है। तो 151 का जो आंसर है वो आपका दे दिया है, हम्पी, है ना। यानी विजयनगर का जो पुरानी राजधानी है उसका विशाल खंडहर मतलब कहाँ पे है, तो ये हम्पी में। नेक्स्ट है, विद्यारण किससे संबंधित है? तो विद्यारण जो है सायन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वेल्लोर में चर्च बनाने का परमिशन मतलब दी थी? तो ये 153 का आपका आंसर हो जाएगा, वेंकट द्वितीय ने जो है वेल्लोर में चर्च बनाने का परमिशन उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? तो 154 का आपका आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, वह सूफी संत जिसे उस युग के सबसे महान संगीतकार कहा जाता था वे कौन थे? तो वे आपके थे सी नंबर, पीर बोधन जो है सूफी संत थे, और उस समय का महान संगीतकार इनको कहा जाता था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के निम्नलिखित कृति में किस तार्किक प्रस्ताव की चर्चा की गई है जो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान से संबंधित है? तो ये जो है अमीर खुसरो का है ख्वाजीन उल फुतू। ठीक है, तो इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान जो साउथ में, जो दक्षिण भारत में इसका सैन्य अभियान हुआ था, उसका पूरा चर्चा किया गया कि देवगिरी में कब जीता था, वारंगल कब जीता, कड़ा, मानिकपुर, ये सब जो है आपको खजाइन उल फुतू में मिल जाएगा, और ये अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो के ऐसे नू शिफर भी है, मेहताब उल फुतू भी है, कैरन उस शदाइन भी है, लेकिन सैन्य अभियान की बात की जाए तो खजाइन उल फुतू में है। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बल्लवाचार्य। 157 का बी हो गया। 158, विजयनगर साम्राज्य में हजारों महिलाओं को किस पद में नियुक्त किया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है आपका एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर में देखें, यूपीएससी में भी ये पूछा हुआ है। ठीक है, अभी शायद कुछ रिसेंटली कुछ ईयर में पूछा गया होगा। तो इसमें जो है तीन पद थे जो विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को दिया जाता था, एक लेखाकार का, दूसरा रॉयल बॉडीगार्ड का, और तीसरा जो है महल का रक्षक का। ये तीनों पद जो है महिलाओं को उस समय नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है, नागलपुरा शहर का निर्माण किसने किया था? तो ये आपका कृष्णदेव राय ने करवाया था, नागलपुरा या नागलपुरम कहते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना, क्लास 6 में है ये नागलपुरम। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के हिंदू साम्राज्य में देवता तिरुपति या भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को इसके स्वर्ण सिक्कों पर दिखाया गया है? ठीक है, तो 160 का आपका आंसर हो गया ए नंबर क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में। ये पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत में हिंदू साम्राज्य में देवता तिरुपति या भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति जो है कौन से साम्राज्य के सिक्कों पे दिखा है? तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है, राजा कृष्णदेव राय का धर्म क्या था? तो ये एक वैष्णववाद थे। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने किसे एन इंडिया का खिताब प्रदान किया है? एन इंडिया मतलब भारत का आईना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को जो है एन इंडिया का खिताब जो है शेख निजामुद्दीन औलिया ने प्रदान किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के सात सल्तनत के शासन का साक्षात्कार किया था? तो ये हैं शेख निजामुद्दीन औलिया ही है जो दिल्ली के सात सल्तनत का शासन का जो है इन्होंने देखा है। ठीक है, साक्ष्य रहे हैं ये। 163 का भी हो गया। नेक्स्ट है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, मशहूर हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये आपका कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस तेलुगु लेखक को विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के हाथों कनकाभिषेक का गौरव प्राप्त हुआ था? जो तेलुगु लेखक होते थे उनको जो है कनकाभिषेक दिया गया था, ठीक है, ये एक अवार्ड का नाम है उस समय का, तो विजयनगर का शासक देवराज द्वितीय ने दिया था, तो ये किसको दिया था? तो ये आपका जो है श्रीनाथ को दिया था कनकाभिषेक देवराय द्वितीय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य परंपरा का विकास विजयनगर साम्राज्य की युग में हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यक्षगान का, जो है विजयनगर साम्राज्य के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महिला के पहनावे में रहता था? तो 168 का आपका आंसर हो जाएगा शेख मूसा जो है वो एक सूफी संत था और महिला का पहनावा में रहता था शेख मूसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सियारुल औलिया लिखी गई है? तो ये भी आपका अमीर खुसरो का कृति है सियारुल औलिया। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई अमुक्त माल्यदा किस भाषा में थी? तो ये एक तेलुगु था, ठीक है। नेक्स्ट है, तेलुगु में लिखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में सूफी आदेश के संस्थापक कौन थे, है ना, सूफी आदर्श कहेंगे तो आदर्श के संस्थापक कौन थे? तो 171 का आपका आंसर हो जाएगा मुआद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुआद्दीन चिश्ती जो है इसके सूफी का जो है संस्थापक था। नेक्स्ट है, कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है, सुल्तान जैनुल आबुद्दीन। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके अलाउद्दीन बहमान शाह। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? तो 174 में आपका हो जाएगा संगम वंश था पहला। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला भक्ति संत हिंदी का प्रसार करने के लिए उपयोग करता था? तो 176 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी रामानंद जो है हिंदी का प्रसार करने के लिए उपयोग करता था। ओके, नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के रूप में प्रसिद्ध दर्शन कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हम लोग जानते हैं जयदेव द्वारा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन था? तो नायक जो होता था वो सैनिक होता था, ठीक है, यानी विशेष क्षेत्रों में सैन्य मुखिया। 179 का आपका आंसर हो जाएगा डी, विशेष क्षेत्रों में सैन्य मुखिया को नायक कहते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 188 का आंसर है हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा बॉडियोर ने मैसूर का साम्राज्य स्थापित किया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो उस समय जो है वेंकट द्वितीय उस समय संस्थापक था, जब वोडियार वंश का जो है मैसूर में स्थापना हुआ था, तो विजयनगर में वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहमनी शासकों ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज बनवाया है? तो ये जो है मोहम्मद आदिल शाह। तो 182 का आपका आंसर हो जाएगा सी, इसने बनवाया था गोल गुंबज बीजापुर में। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य में तरफ का क्या अर्थ होता था? तो तरफ मतलब प्रांत, प्रोविंस। नेक्स्ट, मशहूर विरूपाक्ष टेम्पल या विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये हम्पी में है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में पहल की भूमिका निभाई थी? तो उसने खड़ी बोली का विकास किया है अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी ने किस समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देव राय प्रथम के समय जो है निकोलो कॉन्टी आया था, ठीक है, और उसने जो है विजयनगर का दौरा किया था। अब हम थोड़ा सा कुछ लिस्ट देख लेते हैं कि इंडिया में जो विदेशी यात्री आए कौन आए किसके समय में आए। तो पहला नंबर पे आपका जैसे अब्दुल रज्जाक है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि अब्दुल रज्जाक है, तो अब्दुल रज्जाक जो आपका कब आया था? तो 1443 से 1444 में आया था, और ये देवराज द्वितीय के समय आया था अब्दुल रज्जाक, ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये पार्शियन था, ये पर्शिया का रहने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपका बात करें तो अगर अलबरूनी या फिर अबू अल रहियान मोहम्मद इब्न या फिर उसको बोलते हैं अहमद अलबरूनी, ठीक है, तो अलबरूनी आपको मालूम होगा कि वो जो है किसके समय आया था, महमूद गजनी के साथ आया था, 1024 AD या फिर 1024 AD से लेकर 1030 AD तक रहा, और ये भी एक पर्शियन था, ठीक है, फारस से आया था। नेक्स्ट है, अल मसूदी,
अल मसूदी लिस्ट में नेक्स्ट है आपका अल मसूदी। तो अल मसूदी एक जो है अरब यात्री था, ठीक है, और वो कब आया था, तो मुरुजुल जहनाब जो है उसका जर्नी अगर बात करें, अल मसूदी जो है 1957 में आया था, और उस समय जो उसका बुक का कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अल मसूदी जब आया था, अरब यात्री था जब इंडिया आया था, तो उसका जो है इसमें इस बात का जिक्र किया गया है, तो उसका बुक उसने लिखा था मुरुज उल जहनाब, उसमें इस बात का जर्नी का अपना एक्सप्लेन किया है। अब हॉकिंस की बात करें तो हॉकिंस हमें पता है कि उस समय जब आया था तो वो जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में, ठीक है। फायान आपका 405 से 411 तक जो है यहाँ पे इंडिया में रहा है, और वो फायान जो क्या था, ये बुद्धिस्ट जो है मॉन्क था, ठीक है, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायान। अगर हम बात करें कि बर्नियर का, तो बर्नियर आपका 1656 से 1668 इंडिया में रहा, एडी की बात कर रहे हैं, और उसमें जो है उसने शाहजहां के समय वो आया हुआ था इंडिया, ठीक है, और उसने एक बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, और उसमें उसने किसके बारे में लिखा था, तो रूल रेगुलेशन लिखा था दारा शिकोह और औरंगजेब के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट लिस्ट में है हेनशंग। हेनशंग आपका 630 से लेकर 645 एडी तक इंडिया में रहा, और वो एक चाइनीज यात्री था, और उसने अपना ये इस जर्नी को किसके समय, वो हर्षवर्धन के समय आया था, और अपनी जर्नी को उसने एक बुक में लिखा है, उसका नाम है सी यू की। अब है इब्न बतूता, लिस्ट में हमारा है नेक्स्ट इब्न बतूता। ये 1333 में से लेकर के 1347 एडी तक रहा, और ये एक मोरक्को यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये आया था, और इसकी बुक है रिहला। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो आपका 1292 से 1294 ईसा पूर्व में आया था, और उसके बाद ये अगर बात करें एडी में, सॉरी, तो इसके बाद जो अगर बात करें तो ये एक यूरोपीय यात्री था, ठीक है, और किसके समय में ये आया था, तो रुद्रमा महादेवी के समय जो है ये आया था, काकतीय वंश की रुद्रमा महादेवी के समय। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। ये 302 बीसी से लेके 298 बीसी के बीच में यहाँ रहा, और ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पर आया था, ठीक है, और इसकी बुक है आपको मालूम है इंडिका। नेक्स्ट है निकोलो डी कॉन्टी। तो निकोलो डी कॉन्टी की बात करें तो 1420 से लेके 1421 एडी तक इंडिया में रहा, और ये एक इटालियन यात्री था, और ये देव राय प्रथम के समय निकोलो डी कॉन्टी आया था। अगर थॉमस शिरो की बात करें तो ये आपका 1615 से 1619 एडी तक रहा, और ये एक कहाँ का था, तो सर थॉमस रो जो है आपका ब्रिटिश का हो गया, ये जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा कुछ ट्रैवलर यात्री। अगर बात करें नूनीस की तो ये अच्युत देव राय के समय में आया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय आक्रमण किया था तब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे, तो उसका आंसर आज का हो जाएगा कृष्णदेव राय। जो है जब बाबर आक्रमण करता है तो उस समय कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के काल में भारत की यात्रा नहीं की थी, ठीक है, तो 188 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी निकोलो डी कॉन्टी जो है विजयनगर साम्राज्य के समय काल में भारत का यात्रा नहीं की थी, यानी उसके बाद की होगी। नेक्स्ट है शिष्यों के आदि ग्रंथ में किस चिश्ती संत के दोहे उद्धृत हैं, ठीक है, तो 189 का आपका आंसर हो जाएगा फरीदुद्दीन। आदि ग्रंथ में जो है फरीखुद्दीन को जो चिश्ती संत है उनका दोहा उसमें दिया हुआ है आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ किसका है, तो ये आपको मालूम है कि ये क्या बोलते हैं सिखों का है, तो यहाँ शिष्यों लिखा हुआ है, यहाँ सिखों होगा, सिखों का आदि ग्रंथ में किस चिश्ती संत के दोहे उद्धृत है, तो फरीखुद्दीन का है, ठीक। थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारा जो है दिल्ली सल्तनत अब खत्म हो चुका है, और नेक्स्ट वाला आएगा आपका मुगल अंपायर, मुगल साम्राज्य के अब आगे की वीडियो आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।